Assalamualaikum. Welcome to CPAC Time. My name is Aru. CPAC Time के साथ मैं हूँ यासिर रहमान और मेरे साथ हैं अरू. और CPAC Time की जो पिछली एपिसोड्स थी, पिछली टीचर्स थी, उसमें हमने आपको एक्सटेंसिवली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से बताया, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आपको दिखाए चाइना में, इनर मंगोलिया में, ओलनचाप में, दाचिंग में. मकसद यही था कि आपको बताया जाए कि खुद चाइना के अंदर CPAC BRI जो है वो किस कदर इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया है, कितना फोकस है चाइनीज गवर्नमेंट का और उसके साथ साथ जितने भी यूनिट्स हैं वहां पे. इसी तरीके से CPAC के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी हमने आपको साहिवाल भी विजिट करवाया, बताया कि साहिवाल में किस नहीं पे काम हो रहा है और साहिवाल क्या डिलीवर कर रहा है, खासतौर पर कोल पार्क के हवाले से बात करते हैं और कितनी सस्ती होती है और कितनी जल्दी 22 महीनों में इन्होंने मुकम्मल इसको किया है. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब नवंबर में दौरा कर रहे हैं चीन का. उस दौरे से पहले जब से हुकूमत तश्कील हुई है, जब से हुकूमत बनी है, CPAC को लेकर काफी सवालात उठाए जाते रहे हैं. हमने गाये बगाये इसके ऊपर काफी प्रोग्राम भी किए, मिनिस्टर साहब के साथ प्रोग्राम किया ताकि आप तक जो हकायक है वह पहुंचाए जा सकें. ताहम इस हवाले से काफी एक सुखम भी मौजूद है कि हम बात कर सकें मजीद इसके ऊपर, खला भी मौजूद है क्योंकि जो अदर साइड है, जो प्रोपेगेंडा साइड है, जो फॉल्स स्टोरी साइड है, वो काफी एक्सटेंसिवली काम कर रही है CPAC के ऊपर. बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद हकायक, आज के इस प्रोग्राम में हम उस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ देखेंगे कि CPAC प्रोजेक्ट इस वक्त किस स्टेज में है, हमारा अर्ली हार्वेस्ट कहां तक पहुंच चुका है, मिड टर्म कहां पे है और लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या प्लान करने जा रहे हैं. तो प्रोग्राम आगाज करते हैं अपने मेहमानों के तारुफ से. आज हमें दावत दी है डॉक्टर ओकाब मलिक साहब को, एनालिस्ट हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हसान दाऊद भट्ट साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं CPAC के. भट्ट साहब से हम काफी सवाल करते रहते हैं गाय बगाय, लेकिन जब जरूरत महसूस करते हैं तो सर को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया हसान साहब आपने भी हमें वक्त दिया. Yes, sir, I want to ask you the, you know, November. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वजीर आजम पाकिस्तान नवंबर में चीन का दौरा करेंगे जिसमें वो पहले इंपोर्ट एक्सपो के मेहमान खुसूसी होंगे. पाकिस्तानी आवाम ये जानना चाहती है कि इससे क्या हुआ है. मैंने पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दे वांट टू नो व्हाट हैव हैपेंड इन दिस मीटिंग. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया. और मैं यासिर आपको ये बताता चलूं कि आई हैव बीन फॉलोइंग योर प्रोग्राम और आपके जो चाइना में होने वाली एपिसोड्स थी वो बड़ी बहुत अच्छी थी और उसके जरिए जो लोग जिन्होंने चाइना का विजिट नहीं किया वो उनके लिए बहुत कुछ था लर्न करने के लिए. स्पेशली आपने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी वहां पर दिखाया, सिमिलरली यहाँ के साहिवाल के प्रोजेक्ट. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि CPAC को और BRI को इन इट्स ट्रू परस्पेक्टिव और साइट से रिपोर्टिंग करने का. आपका जो सवाल है उसका जवाब यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का पहला दौरा है चाइना का एज अ प्राइम मिनिस्टर. और उससे उस विजिट के दौरान बहुत सारी मीटिंग्स चाइनीज लीडरशिप के साथ प्लान की गई हैं. इसके अलावा एक इम्पोर्ट एक्सपो हो रहा है शंघाई में जिसके अंदर वो एज गेस्ट ऑफ ऑनर या चीफ गेस्ट जैसे आपने कहा उसमें वो अटेंड करेंगे. यहाँ पे ये बता दूं कि वहां पर एक पवेलियन पाकिस्तान का बिल्कुल एडजेसेंट टू चाइनीज पवेलियन बनाया गया है और इसमें इमरान खान साहब और प्रेजिडेंट शी दोनों विजिट करेंगे. तो इससे आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की क्या इम्पोर्टेंस है ना सिर्फ बेल्ट एंड रोड में बल्कि चाइना का जो विजन है इम्पोर्टर्स के लिहाज से. और हमारे जो प्लानिंग है इस विजिट के लिहाज से, पहले तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट बट ऑल्सो अबाउट एक्सपो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ऐसे एक्सपोर्टर्स जाएं जो शोकेस कर सकें पाकिस्तान की कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट और चाइना के अंदर उनकी हम B2B इंगेजमेंट्स और इंटरेक्शंस करा सकें ताकि एक लिंकेज डेवलप हो और पाकिस्तान ऐसी जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है या अदरवाइज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्कोप है उसको वहां पे शोकेस किया जाए और उस मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए. और जहां तक सवाल है प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से है, उनकी मुलाकात प्रीमियर ली केचियांग से है. इसके अलावा एक इशाइये में वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भी अटेंड करेंगे. इसके अलावा उनकी मीटिंग्स चाइनीज लीडिंग एंटरप्राइजेस के जो लीडरशिप है उनके साथ अरेंज की जा रही है ताकि इस प्रोजेक्ट इस विजिट को सिर्फ बेहतरीन नतायज हासिल किए जाए. मैं एक और चीज, इस सवाल का जरा जवाब लंबा हो गया बट स्टिल ये बताता चलूं कि
जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एजेंडा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, उस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एग्रीकल्चर की कॉपरेशन को और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को हाईलाइट्स रखे जाएं इस विजिट के, ताकि उससे बेहतरीन नतीजे हासिल किए जाएं। अभी हमारे पास गुज़िश्त हफ्ते चाइनीज की जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ग्रुप है वो विजिट किया था, जिसके अंदर उनके चीफ एग्रोनॉमिस्ट और जो कि वाइस मिनिस्टर लेवल हुआ है और उनकी इंटरेक्शन हुई मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च में, और वहां पर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है जिसके जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान एग्रीकल्चर के सेक्टर में। सो दीज आर दी हाईलाइट्स जो कि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के होंगे। ठीक है, बिल्कुल। चले मैं अगला सवाल भी आप ही से पूछूंगा आसान साहब। सी पैक के हवाले से जब से नई हुकूमत बनी है, क्योंकि बात एक ट्रांजिशन टाइम था, पीरियड था, चीजों को अंडरस्टैंड करने में भी वक्त लगा, उसके बाद फिर एक पेज पर आने में भी एक वक्त चाहिए होता है आपको। अब सिचुएशन क्या है सी पैक के ऊपर, क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या प्रोजेक्ट्स जारी हैं, जोर शोर से जारी हैं, कोई रुकावट तो नहीं है? अक्सर ये कहा जा रहा है, कोई अखबार भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद वजीर आजम के दौरे के बाद जो है प्रोजेक्ट जो है वो काम करेंगे, अभी प्रोजेक्ट हॉल्ट पे हैं। सिचुएशन क्लियर क्या है सबसे पहले तो ये बताते हैं, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। जो करंट गवर्नमेंट आई है उन्होंने आने के बाद सी पैक के बारे में क्लियर कट आपके ही प्रोग्राम में खुसरो बख्तियार साहब ने बताया कि सी पैक के जो स्कोप है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है और उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को एज अ हाईलाइट आगे लेके जाए। फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी नाउ द फोकस इन दिस फेज अंडर द करंट गवर्नमेंट इज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओवरआर्चिंग किस्म की कॉपरेशन हो जिसके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात हो, वोकेशनल ट्रेनिंग की भी बात हो। तो ये करंट गवर्नमेंट का एजेंडा है और इस बात किसी प्रोजेक्ट के अंदर की रफ्तार के अंदर कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसका स्कोप को एक्सपेंड किया जा रहा है और पॉवर्टी एलिविएशन और लोगों की अपलिफ्ट की तरफ थ्रू सी पैक ध्यान दिया जा रहा है। सो आई थिंक यही एजेंडा है, जैसे मैंने पहले भी कहा विजिट का भी यही एजेंडा है, सी पैक का भी नेक्स्ट लेवल जिस तरह और मैं अक्सर अपनी प्राइवेट डिस्कशन में ये बात कर सकूं कि करंट गवर्नमेंट और जो चाइनीज गवर्नमेंट में बहुत सारी सिनर्जीज हैं, जिस तरह पॉवर्टी एलिविएशन, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, ये सब तमाम चीजें प्रेजेंट शी जिनपिंग के की जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है, जो विजन है उसके अंदर भी है और प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विजन में। तो इस सिनर्जी को मजीद कंसोलिडेट करने के लिए विजिट इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस विजिट के बाद जो है इसके स्कोप की एक्सपेंशन में वाजे तौर पर नजर आएगी। ठीक है सर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू वट इज योर आइडिया फॉर द पाकिस्तान लोकल बिजनेस मैन। You know, I know you living in China many years. You know, China have a 1.5 billion public. We have a huge market. चूंकि आपने चाइना में बहुत अच्छा क्याम किया है और चाइना की आबादी 1.5 बिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ी तजारती मंडी है और ये पाकिस्तान के मकामी ताजरों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है और ये बरामदात की बहुत बड़ी एक्सपो है। आप पाकिस्तानी ताजरों को इस हवाले से क्या तजवीज करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि गवर्नमेंट का कितना इंटरेस्ट है और कितना फोकस है इसके लिए। तो मैं आपको ये बताते चलूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाया है जो इस विजिट को प्लान कर रहा है, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के विजिट को बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सब मिलकर इस विजिट के बेहतरीन नतीजे की तरफ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एमओयूज, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। लेकिन जो आपका सवाल है इम्पोर्ट एक्सपो के बारे में, उसके लिए भी ये वर्किंग ग्रुप ने एक मुकम्मल प्लान बनाया है, उसके अंदर आइडेंटिफाई किया है कि वो लीडिंग जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, जो प्रोडक्ट्स चाइना के अंदर एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके साथ एक डिस्कशन सेशन करने के बाद एक प्लान पूरा बनाया जा रहा है और तकरीबन मेरा जहां तक अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि कम से कम 75 बिजनेसमैन
शायद इस विजिट में साथ होंगे कम से कम 75 बिजनेसमैन बिसाइड्स दोज जो कि हमारा जो पाकिस्तान पवेलियन है उसके अंदर मेजर शो केसिंग करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि 5 की शाम को इंशाल्लाह वहां पर एक बी टू बी इंटरेक्शन भी अरेंज किया जा रहा है जिसके अंदर चाइनीज इम्पोर्टर और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स का इंटरेक्शन कराया जाए और इससे बेहतरीन नतीजे आ सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं जी डॉक्टर उकाब मलिक साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, सी पैक के हवाले से यह बिजनेस क्या फॉर्मुलेशन हो सकती है? एहसान साहब ने काफी तफसीलन बात की है, पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशनशिप है सी पैक परस्पेक्टिव में अगर आप देख लें, बीआरआई परस्पेक्टिव में इसको देख लें और ये बाकी जो दुनिया के मामलात हैं उसको टैकल करने के हवाले से देख लें, आगे नियर फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, मिड टर्म फ्यूचर क्या नजर आ रहा है और कितने मजबूत होने जा रहे हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? ये तो बड़ा सवाल है आपका। असल में सी पैक क्या एसेंशियल जरूरत है पाकिस्तान में, दैट वी नीड सी पैक, विदाउट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, Pakistan doesn't really have a future without CPEC. Mm-hmm. So for Pakistan, this is a decision that is of necessity. Is beghair Pakistan aage nahi ja sakta. Ye Dao sahab ko malum hoga har ek cheez, choti cheez par keh sakte hain jodi kya hoga, ye kya hai, ho raha hai, ye director of operation ka inka kaam hai. Lekin main bari soch dekhta hoon jo piche hoke दुनिया देख रहा हूँ जरा क्या हो रहा है आगे फ्यूचर में क्या होगा पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अभी पूरे दुनिया का पावर ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, इट्स बीन 20-26 साल और इन शुरू हो गए हैं, ये रुक नहीं जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू एज बिजनेस इनफ्लो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू आउट पूरे एशिया में होगा एंड दे विल अपलिफ्ट द होल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट विच इज बीन सब्ड्यूड ओवर मेनी इयर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म बिफोर हैंड सेंचुरीज ऑफ दिस एंड वी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ इट, जे गुलाम रखा होगा ना, नाउ वी कमिंग आउट ऑफ दिस कॉलोनियल पीरियड एंड वी आर फ्लरिशिंग इन आवर ओन राइट एंड दैट वी डिमांड पोलिटिकल एक्सेप्टेंस एंड इक्वालिटी as countries China and Pakistan does in the world. It's not just based on our military strength, it's based on our sense of moral duty towards the world. And we need to uplift this world. And this is what BRI offers, Belt and Road Initiative offers, a connectivity unknown in history between all countries in Asia and Europe, and further afield in Africa, and if the Americans accept, in the Americas as well. And this is the idea of bringing the world together. Dunya ek dunya ban jaye. Ye BRI project jo hai, ye shuru abhi shuru hua. But this is just a start of something much bigger. But the problem with this is the challenges are that hamara human insaan ka nature aisa hai jo distrust karta hai. Ki kisi bande ka par itbaar nahi karte. To trust building ke liye aur confidence building ke liye bada काम करना पड़ना होगा। ठीक, एक दरमियान में जब मेहरबानी करें मेरे उर्दू इतनी अच्छी नहीं, एक दरमियान में काफी मिसाइल आ रहे और प्रोपेगेंडा नेगेटिविटी मकसद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक को खराब करने के लिए छोटे मिसाल के लिए आपने छोटे इंटरेस्ट के लिए हर एक मुल्क जरा काट रहे हैं for their small interest and short term interest they try to defeat the long term vision that we have as being part of the global communication to bring it together and connect the world over in the future in many maybe years or decades even a century to have a global one human race together without barriers and this is what my vision of this Belt and Road Initiative is that this can bring this together for everybody But we will have obstacles. दरमियान में जरा हर एक हसद काफी है, मेरे नहीं मिल रहे थे इसको क्यों होगा, क्यों हो जाए, वेल दे कैन ज्वाइन इन, कौन कह रहे साथ नहीं हो सकता था, दे कैन ज्वाइन इन एंड फ्लरिश टूगेदर एंड दिस इज अ विजन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड वी मस्ट एक्सपैंड ऑन द आइडिया दैट वी नीड टू ब्रिंग एवरीबॉडी इन टू दिस टू वर्क टूगेदर एज अ ग्लोबल कम्युनिटी
and help develop. We know that because of climate change problems, what is going to happen? We're going to destroy everything for everybody. Je America ka kharab hoga, hamara bhi kharab hoga. Je China ka kharab hoga, America ka bhi kharab hoga. We got to stop this and start working together instantly. The Belt and Road Initiative is clean of our मैं जानती हूँ कि आप बहुत सालों से यूरोप में मुकीम हैं और आपने कई मर्तबा चीन का भी दौरा किया है. आप यूरोप और चाइना की तरक्की का मुवासना किस तरह करेंगे? यूरोप has fallen behind. China is rapidly moving forward technically, in advanced technologies, in patents. It's leading. आप कह रहे हैं यूरोप पीछे रह गया और चाइना आगे जा रहा है. बस जा रहे हैं ना, बहुत आगे जा रहे हैं. एक स्टडी थी 2015 में और 16 में ऑन नंबर ऑफ पेटेंट्स एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज. तो नंबर वन प्लेस बियॉन्ड MIT हार्वर्ड से आगे और ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज से आगे चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस नंबर वन प्लेस था इन नंबर ऑफ डिस्कवरीज एंड पेटेंट्स ऑफर्ड इन साइंटिफिक एनवायरमेंट. मकसद एक इंस्टीट्यूशन ठीक है, लेकिन आ रहे हैं वो टाइम निकल गया जो गांव की सोच है. हमारी भी गांव की सोच खत्म करनी पड़नी होगी. आगे देखना पड़ना जब मुल्क हमारा मुल्क आगे लीडरशिप बन जाए दुनिया का. लेकिन ये हमारे गांव की सोच जो है छोटी छोटी सोच अंगल धरने के लिए ये तो खत्म करना पड़े. आपने नस निकालना पड़ना हर एक जो सोच हमारी जिरे खराब सोच है जिरे नहीं होगा ये खत्म करो. तो ज्वाइन हैंड्स टुगेदर दोनों साथी मुसलमान लोग और क्रिश्चियन लोग और हिंदू लोग और एथियस्ट एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन वर्क टुगेदर टुवर्ड वन ग्लोबल फ्यूचर एंड BRI ऑफर्स दिस इफ यू एक्सेप्ट इट. देयर आर कंसर्न्स इन द वेस्ट बिकॉज इट्स अबाउट द ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग. जो इसका होगा मेरा नहीं होगा, मेरा होगा तो इसका नहीं होगा तो मैं ऊंचे हो जाऊंगा. एक सोच खत्म करनी. आप कह रहे हैं आई माई सेल्फ कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको खत्म करने की जरूरत है. हसान साहब मैं दोबारा आपको इन्वॉल्व करूंगा. IMF की तरफ यकीन बात हो रही है कि हम जा रहे हैं, असद उमर साहब भी गए, डिस्कशंस हुई, फिर एक कोई खबर ये भी आ रही है कि शायद हम ना जाएं, मामला जो है इसमें. लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो बातें हो रही हैं, अभी अमरीका की तरफ से भी एक बयान आया कि ये जो रीपेमेंट्स हैं CPAC प्रोजेक्ट्स की, जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं या फाइनेंसिंग है, उसके रीपेमेंट की वजह से इतने ज्यादा पैसे हमें उठाने पड़ रहे हैं. 10-12 बिलियन अरब डॉलर की जो बात, बिलियन डॉलर की जो बात हो रही है, इज इट सो? ऐसा ही है क्या? हम फॉरेन प्रोजेक्ट लगने की या प्रोजेक्ट अभी उस स्टेज पे है कि कंप्लीशन स्टेज के ऊपर है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, क्या ऐसा ही है कि अभी से उसकी पेमेंट स्टार्ट हो गई है? ये फिगर जो कोट की जा रही है वेस्ट की जानेब से या कुछ हमारे अपने हलके हैं या हमारे कुछ अपने मीडिया सर्कल्स हैं उनकी तरफ से, ये ठीक है, करेक्ट है? बीइंग डायरेक्टर ऑपरेशन या डायरेक्टर CPAC आप बताएं. लेकिन मुझे तो नहीं पता कि क्या मुख्तलिफ हल्के हैं. एवरीबडी कैन, वो कह रहे हैं कि आप लोन इसलिए ले रहे हैं कि आपने चाइना को पैसे देने. लेकिन मैं आपको रीपेमेंट ऑफ लोन सिचुएशन इसकी बता देता हूँ, क्योंकि मैं ना ही मैं एनालिस्ट हूँ काप साहब की तरह जो कि यू नो वर्ल्ड अफेयर्स पे अबूर रखते हैं. मैं आपको CPAC के बारे में और उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बता सकता हूँ. और इसके अंदर इस वक्त हमारे पास 22 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है डिफरेंट स्टेजेस पे, और जिनकी टोटल लागत 28 बिलियन US डॉलर्स है. इन प्रोजेक्ट्स की जिसमें मैंने कहा कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, तो इनकी पेमेंट स्ट्रक्चर भी उसी तरह हुआ है. लॉन्ग टर्म है, 25 साल की पेमेंट स्केड्यूल है, और उसके अंदर जिस तरह किसी भी प्रोजेक्ट में होता है, या G2G हो या IPP हो, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ग्रेस पीरियड दिया जाता है. सबसे पहले जो जरूरी चीज आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं सबको बताया कि 73% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं जो कि IPP मोड में, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके अंदर आपके सामने है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है, ज्वाइंट वेंचर्स भी हैं, थर के अंदर ज्वाइंट वेंचर्स हैं, अभी थर ब्लॉक वन के अंदर भी शंघाई इलेक्ट्रिक इज इन्वेस्टिंग, ऑल्सो थर ब्लॉक टू के अंदर एंग्रो है. सो ये ओवरऑल इसका जो एनर्जी का पोर्टफोलियो है वो 73% के करीब इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है. जो बाकी जो G2G हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, जिनको
लोन कहा जा सकता है वो तकरीबन 6 बिलियन के करीब है जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स अभी तक इम्प्लीमेंट हुए हैं वो तकरीबन 3 बिलियन। रीपेमेंट कब शुरू होंगे? ये रीपेमेंट तकरीबन जो अर्लीस्ट रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट की वो 2021 में शुरू, 2021 में शुरू, 2021 में शुरू। ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये जो अभी लोन की बात हो रही है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बात हो रही है, बाकी हो रही है, ये कोई चाइना को रीपेमेंट के लोन के हवाले से या रीपेमेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बात नहीं हो रही है? कंटिन्यू कीजिएगा। तो ओवरऑल जिस तरह स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर इनकी फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उनकी जो पेमेंट का है वो तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर का बनता है अभी इस वक्त। नेचुरली विद पैसेज ऑफ टाइम जो जो नेक्स्ट ईयर हमारे जो रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं नेक्स्ट ईयर के एंड तक वो दोनों कम्प्लीट हो जाएंगे, KKHP और मोटरवे इंशाल्लाह वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। गवादर का ऑल्दो इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑल्दो मैं इस पर कहना चाह रहा था कि ये बात शायद अभी इस प्रोग्राम के हवाले से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपका सीपैक टाइम है तो मैं एक और चीज बताता चलूं कि इस साल इंशाल्लाह बिफोर दिसंबर JCC जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर उसके साथ साथ इंशाल्लाह गवादर एयरपोर्ट, गवादर का वोकेशन सेंटर और गवादर हॉस्पिटल की ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ हम तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा गवादर के अंदर जो एनर्जी की क्राइसिस है 300 मेगावाट उसके भी एग्रीमेंट साइनिंग की तरफ हम जा रहे हैं। पानी के दो प्रोजेक्ट इस वक्त हो रहे हैं, एक प्रोजेक्ट जो COPHCL जो पोर्ट से दे रहे हैं वो है, और दूसरा जो है वो FWO बहुत तेजी से अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इस वक्त रिक्वायरमेंट 6 MGD की है, इंशाल्लाह बाय 2020 हमारे पास इससे ज्यादा की प्रोजेक्ट इन प्लेस होंगे जो कि कुछ PSGP से हैं, कुछ FWO करिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया COPHC करेगा, इसके अलावा जो एयरपोर्ट है उसका अपना डीसेलिनेशन प्लांट है। तो इंशाल्लाह पानी एनर्जी और जो प्रोजेक्ट है सोशल सेक्टर के जिसमें हॉस्पिटल है ये इस साल के अंत तक, और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली कहा है और आपने पढ़ा भी होगा कि लेस डेवलप्ड एरियाज और जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसकी तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है, और उधर जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे तरक्की अभी नहीं हुई उनको इस तरक्की के ओवरऑल कैनवस के अंदर लाने की जरूरत। ठीक सर, आई वांट टू आस्क यू लास्ट संडे एंड पाकिस्तान हैव वन हाई लेवल टीम विद चाइना, आई थिंक इट्स द फेडरल सेक्टर ऑफ द पावर एंड आल्सो एनएचए चेयरमैन ऑफ द एनएचए with China. What they are doing? Have a meeting with China about the future in the CPAC. Actually, इस तरह होता है कि जितने भी projects होते हैं इनका एक implementation mechanism है जिसके अंदर सबसे ऊपर JCC होती है जो कि Honorable Minister Planning chair करते हैं, और Chinese side से Vice Chairman NDRC होते हैं। उसके नीचे जो जो areas हैं expansion के, जो जो areas हैं cooperation के, उनका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होता है। जिस तरह एनर्जी का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, गवादर का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, प्लानिंग का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे एक सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, और इस सिलसिले में डिस्कशन हो रही है ताकि प्राइम मिनिस्टर के विजिट के साथ उसको इन प्लेस किया जाए, बिकॉज जो भी मैकेनिज्म है वो लीडरशिप लेवल पे डिसाइड होता है। तो इस वक्त वहां पर कल एक्चुअली एनर्जी के और इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर ये रेगुलर एक हर साल एक मीटिंग होती है जिसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस है उनको देखा जाता है, और अगले साल के लिए जो प्रोजेक्ट्स होने होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, और नेक्स्ट डे फिर तो सेक्ट्री कम्युनिकेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को लीड कर रहे हैं और उनके साथ टीम है जिसमें गवादर के एक्सपर्ट्स भी हैं। इसके अलावा एनर्जी की सेक्ट्री एनर्जी इस वक्त लीड कर रहे हैं जिसमें PPIB, नेप्रा, NTDC और गवादर से अगेन, क्योंकि गवादर मेन फोकस है डेवलपमेंट का नेक्स्ट फेज में, तो वो साथ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत जरूरी समझता हूँ कि सोशल सेक्टर डेवलपमेंट का जो ज्वाइंट वर्किंग डेवलप किया जा रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर को, उसके अंदर पॉवर्टी एलिविएशन को, उसमें लो कॉस्ट हाउसिंग, हेल्थ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन तमाम एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जा रहा है ताकि जो अवाम है और जो लोकल हैं और ऐसे एरियाज जो कि इतने ज्यादा डेवलप नहीं किए
ان کی ترقی کی طرف خاص فوکس کیا جا سکے نیکسٹ فیز کے اندر. ٹھیک. ڈاکٹر عقاب ملک صاحب, میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. یو ایس کی پالیسی سب کے سامنے ہے. جس طرح سے یو ایس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک تو کنٹین کیا جائے دوسرے ممالک کو, ایون اتحادی جو ہیں جیسے کینیڈا اور باقی ممالک ان کو بھی کافی اس حوالے سے, اور یورپ کو خاص طور پہ تحفظات ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پالیسی ٹورڈز ایران اور ٹورڈز دا ایلائز, خاص طور پہ چائنا کی جو یو ایس ٹریڈ آپس میں چل رہی ہے, دنیا پہ کس حد تک اثر پڑے گا, اور خاص طور پہ جو جس گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں یا سوشل اپ لفٹ کی بات کر رہے ہیں, اگر اکانومی آپ کی ورلڈ اکانومی پروگرس نہیں کرے گی تو آپ کی سوشل اپ لفٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. دیٹ یو ول اگری, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دس از اے کمپلیکس کوسچن. چلو پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا سا. دو ورلڈ وار ٹو تو بعد, دو 1945 تو بعد جو امریکہ سپر پاور بن گیا تھا, اینڈ کولڈ وار شروع ہو گئی تھی سب یونین کے ساتھ, کافی مسائل تھے, اینڈ گلوبل اکانومی تھوڑی سی بڑھ گئی تھی, بٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ٹک لیڈرشپ آف گلوبل پاور, سپر پاور بننے کے لیے, اینڈ اسپینڈ اے لاٹ آف منی. ناؤ آئی ہیو ٹو لک ایٹ ان اے بیلنس. And you have to recognize that the United States did take responsibility of the global challenge, challenge against from the Soviet Union and communism. But the times have changed now. مقصد ہے امریکن ابھی سوچ رہے جو میں نے تو سب کچھ دے دیا, واپس کچھ بھی نہیں آ رہا, and they want a return on all the investment they've had around the world, the security investment, NATO کا, ورلڈ بینک, سب کچھ جو پیسے دے رہے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے. عام بندے کو امریکہ میں سوچ رہے جو میرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں کیوں پرواہ کروں جو باہر سے پیسے جا رہے ہیں. سو دیر از اے انٹروسپیکشن ناؤ, جو دنیا سے ہاتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹا دوں, اندر سے تھوڑا سا کام کروں. ان کا اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضرورت ہے. چائنا کا کام ہو رہا ہے کافی 20 سال ہو گئے, صحیح تیزی کے ساتھ اور ان ریئل سپیڈ چائنا کا کام کافی ہو رہا ہے, تو امریکہ بھی تھوڑا سا پیچھے رہ رہا ہے اس طرح. تو ان کا اپنا پیسہ ضرورت ہے اپنے کے لیے. سو دی انویسٹمنٹ دے میک ان اراؤنڈ دا ورلڈ ود الائز اینڈ فرینڈز, یورپ کے ساتھ, جاپان کے ساتھ, ساؤتھ کوریا کے ساتھ, دوسرے ملکوں کے ساتھ, دے پلنگ بیک because they have to concentrate on themselves. So there is a balancing act. It looks like a trade war, but it's a short-term effect to balance off economic needs in America as well. Unki apni soch bhi hai na, to ye balance karke soch dekhna padna. However, itna jaldi khatam karne ke liye ye economic system, ye to duniya ke liye nahi acha hoga. It's going to cause a lot of problems. And there could be economic repercussions, amongst the fallouts, and slow down in economic growth because of tariffs, especially the trade war with China. آپ نے بڑا ایکسٹینسولی اس کو بتایا کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا جو امریکہ کے جو انیشیٹو لیا جا رہا ہے. ڈاکٹر عقاب ملک صاحب, حسان داؤد بٹ صاحب, آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سی پیک ٹائم میں آپ نے بڑی ویلیوبل کنٹریبیوشن دی. ناظرین, سی پیک ٹائم سے اتنا ہی. آپ سے رحمان واڑو کی دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد